पायल मैडम और उनकी जो मम्मी है, मतलब कृतिका की जो मम्मी है, उनका एक वीडियो सामने आया है। पहले आप ये सुन लीजिए कि ये मैडम क्या कहना चाह रही है, किस तरह से ये गेम खेलती हैं, सच में इतनी भोली हैं या फिर भोली बनने का नाटक करती, मतलब देख लीजिए, पहले आप सुन लीजिए इन मैडम का। मेरा डिवोर्स वाला फैसला था, उनको अभी वहां नहीं बोलना चाहिए था। गोलू भी रो रही थी, अरमान जी भी रो रहे थे, क्यों किया मैंने ऐसा, अरे कह रही थी मैडम मां उसके लिए उसको नहीं सुबह रो को रही थी, मारो, गोलू इसलिए गोलू जैसी को पहले डायन के लिए रो रही थी लोगों का गोलू। मेरे पर अंधा ट्रस्ट, और मैं भी उन पे अंधा ट्रस्ट करूं, मैं लोगों के कमेंट्स पे जाके मैंने जो सोचा था मैं वो नहीं करूँ, नहीं करना ही नहीं है। जिन्होंने सिर्फ हमारे को इतना टारगेट कर दिया कि एक इंसान मरने में मजबूर हो रहा है, मरना क्यों है, किसके लिए मरना है, दोनों भाई भी लग के रो रहे थे, तूने बहुत सोचा नहीं अगर मैं कुछ कर, हाँ ये गलती हो गई, हाँ ये बात मानूंगी, ये गलती आपसे हो गई कि आपको बिग बॉस नहीं जाना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग सोच के कुछ गए थे लेकिन वहाँ पे जाके कुछ और ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि ये बोल रही हैं कि गोलू रो रही थी, वहाँ पर डिवोर्स वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ मैडम कि गोलू आपकी डिवोर्स वाली बात के लिए नहीं रो रही थी, गोलू डायन वाली बात के लिए रो रही थी, जिसमें उसको डायन करार दे दिया गया, डायन नाम दे दिया गया कि डायन भी सात घर छोड़ के बाहर करती है, और तुमने तो खुद मतलब अपनी बहन फ्रेंड का घर नहीं छोड़ा, उसलिए इसके लिए रो रही थी। और रही डिवोर्स वाली बात कि वहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए थी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तो मैडम आपसे किसी ने कहा था कि डिवोर्स लेने के लिए, आपने खुद ही ये मतलब फेक न्यूज़ फैलाई सबरे में कि मैं डिवोर्स दे दूँ, आ जाएंगे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगी, अपने बच्चे को लेके चले जाऊँगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अब ये मैडम डर गई हैं, जो भी प्रेस वाले आए थे, जो भी सवाल जवाब हुए थे, उसमें अरमान मलिक फैमिली की इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई थी, आप सबको पता है। अब इन मैडम ये डर गई, इनका क्या कहना है, इनका क्या, अगर अरमान बाहर निकलेंगे और जिस तरह से उनका रिएक्शन होगा, जिस तरह से वो इनकी पायल की बैंड बजाएंगी ना, क्योंकि डिवोर्स वाला इन्होंने यहाँ पर जो रायता फैलाया पायल ने, उस पर भी बहुत सारे सवाल उड़े, सवाल खड़े हुए, उस पर भी बहुत सारे सवालों का, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा अरमान को भी और कृतिका को भी, इसलिए अब ये डर गई हैं कहीं ना कहीं। तो अब इनका ये है कि जब तक वो बिग बॉस से बाहर आएँ तो ये डिवोर्स वाला जो रायता मैंने फैलाया ना, इसको मैं समेट लूँ। अब इनका कहना मेरे को अब डिवोर्स नहीं चाहिए, पब्लिक यही चाहती है, मैं ये नहीं करूँगी। यार डिवोर्स वाली बात तो किसी ने बोला ही नहीं, पब्लिक ने किसी ने नहीं बोला था। तो अब ये डर गई, इनका इनका मानना है कि वो घर से बाहर निकले, मेरे पे बरस पड़े, इससे पहले मैंने जो रायता फैलाया वो मैं समेट लूँ, और अच्छा होगा कि आप समेट लें। तो लोगों का कहना है कि पायल इतनी भोली नहीं है जितनी भोली बनने का नाटक करती है, ड्रामा करती है। यहाँ पर पायल रोते हुए भी नज़र आई कि मौत भी नहीं आती, मतलब इससे अच्छा तो हम नहीं जाते तो अच्छा रहता, बिग बॉस में जाके बहुत गलती कर दी। पायल कृतिका की माँ भी रोती हुई नज़र आई कि मेरे को सब लोग डायन की माँ माँ बोल रहे हैं, कमेंट्स नहीं देखने, कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है, लोगों ने कमेंट्स में डायन की माँ माँ भर के मतलब इतना ज़्यादा तोड़ दिया है इन लोगों को। देखिए मेरा तो कोई इनसे कोई पर्सनली कोई मेरा कोई हेट नहीं है, ना ही कुछ भी है, मैं अपना सीधा अपना रिएक्शन रखती हूँ और आज भी वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर पायल, आपको पता होगा जो भी प्रेस हुई थी, जो भी लोग आए थे, उन्होंने किस तरह के सवाल जवाब खड़े कर दिए, मतलब ये लोग बोले ना कि अगर 50 सवाल थे, अरमान मलिक ने खुद बोला कि अगर 50 सवाल उन्होंने किए थे प्रेस वालों ने, तो 25 सवाल मेरे लिए थे और 25 बाकी घर वालों के लिए थे। सबसे ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ा, ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछे गए जिनका जवाब ही नहीं देते बनता था, अगर जवाब दे भी रहे थे तो उसमें भी एक सवाल खड़ा हो जाता था। अरमान मलिक से ये तक सवाल पूछा गया कि अगर आपको पैसे का इतना घमंड है, अरमान मलिक ने एक बार घर में बोला था सना मकबूल और मतलब किस किस को कि अपना डूबता करियर चमकाने आए हैं, ऐसे को तो मैं अपने घर में नौकर रख लूँ, मतलब ऐसा ही कुछ था सीन। तो जिस पर बोला गया कि अगर आपको पैसे का इतना ही घमंड है, इतना घमंड है आपके पास, इतना पैसा है, तो आप इस शो में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? तो अरमान मलिक कहते हुए नजर आए कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए, जब आपके पास पैसा है, आप पैसे के लिए भी नहीं आए तो किस लिए आए, कि मैं यहाँ पर ना अपना करियर संभालने आया ना पैसे के लिए आया। अरमान मलिक ने बोला कि जैसे रसगुल्ले सामने पड़े हैं, किसी ने बोला खा लो,
तो हमने खा लिया, वैसे ही हमारे सामने ऑफर गया बिग बॉस में आने का, तो हम आ गए बस। और बाकी और कुछ नहीं हमको चाहिए इस बिग बॉस से, मतलब पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, अरमान मलिक का कहना है। और डिवोर्स की बात पर सवाल उठा कि इस रिश्ते को क्या नाम दें, अरमान मलिक कहते हुए नजर आए कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं रहता, कि आप नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो आप नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, नैतिकता का ज्ञान ना दें तो ही अच्छा है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल थे जिससे कि जो कुछ भी इनकी धज्जियां तो पहले से ही जनता जो है और इनकी धज्जियां उड़ाती थी इनके रिश्ते को लेके, बहुत सारे सवाल जवाब उठते थे। लेकिन इस बार जो इनकी धज्जियां उड़ी हुई है ना, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी, कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद कृतिका मलिक भी काफ़ी हद तक टूट चुकी है, रोते हुए नज़र आ रही है, जिसको ये मैडम पायल बोल रही हैं कि वो डिवोर्स वाली बात को, तो डिवोर्स वाली बात के लिए वो नहीं रो रही थी यार। इस तरह के लोग उनको कमेंट कर रहे हैं, मैंने कमेंट्स भी पढ़े, आप लोग जाके देखिएगा उनका ब्लॉग में, इस तरह कमेंट आया यार, किसी को इस हद तक भी टॉर्चर ना करो कि कोई इस तरह का गलत कदम उठा ले। पायल अपने ब्लॉग में रोती हुई नज़र आई, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और वो हमेशा से ही बोलती है यार, किसी को इतना ज़्यादा, मैं तो ये बोलूँगी, देखो जब वो अपनी लाइफ में खुश हैं, जब उन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से जनता को भी नहीं रहने देना चाहिए कोई प्रॉब्लम, जैसे भी है वो अपना खुश रहने। बस एक ये है ना कि एक इनके जरिए गलत संदेश जा रहा है लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंड में, कि यार जब ये दो शादियाँ कर सकते हैं तो हम भी, तो कुछ गलत के लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी बनता है। और शायद इसीलिए बिग बॉस ने इन दोनों को घर से बेघर नहीं किया था। बहुत लोगों का है कि अरमान को निकालो, अरमान को क्यों नहीं निकाला, इसीलिए बिग बॉस ने जानबूझकर पहले ही वीक में पायल को घर से बेघर कर दिया, जबकि पायल को लोग ज़्यादा पसंद करते, इतना कृतिका को नहीं करते, लेकिन फिर भी पायल को कर दिया गया, क्योंकि कृतिका और अरमान दोनों एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएँ, जिस पे और भी ज़्यादा सवाल जवाब बन सकें और ज़्यादा सवाल कर सकें। अगर इन लोगों को बेघर कर दिया जाता घर से, तो जो भी प्रेस वाले थे, जो भी सवाल हुए, जिस इस जो इसमें जो भी एपिसोड में जो भी मिर्च मसाला मतलब अच्छे से लगा है ना, वो अरमान और कृतिका की वजह से ही लगा है। अगर ये लोग घर से बेघर हो जाते तो शायद इतना मिर्च मसाला नहीं लग पाता, शायद इतने सवाल नहीं हो पाते। जो कुछ भी सवालों का जवाब देना पड़ा है, तो आखिर में आके अरमान मलिक हाथ जोड़ी लिया, आखिर में आके अरमान ने बोला कि इससे ज़्यादा मैं खुद को साबित नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, तो मुझे अब ऊपर भगवान के पास ही जाना होगा। तो जिस तरह से जो कुछ भी हुआ है, मतलब मलिक फैमिली प्रेस के सवालों के बाद बुरी तरह से टूट चुकी है, ऐसा बोल सकते हैं, और रोकर यही कर रहे बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। और दुनिया में और भी दो शादियों वाले हैं, उनको लोग नहीं कोई पकड़ रहा, कोई हमको ही क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।